परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास। मेरठ में आज एक परिवार ने बीच चौराहे पर आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार के लोगों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। दरअसल कोटा हापुड़ निवासी प्रीति नाम की युवती का मेरठ थाना इंचोली निवासी ब्रजेश से करीब 9 साल पहले शादी हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही उसका पति ब्रजेश और ससुराल के लोग युवती को दहेज कम देने की बात को कहकर मारपीट किया करते थे और लगातार 5 लाख की मांग किया करते थे। मांग पूरी न होने पर 10 जनवरी को दहेज लोभियों ने प्रीति को फांसी लगाकर मार दिया और उसकी सूचना भी परिजनों को नहीं दी। किसी तरह जब मृतक के परिजनों को सूचना मिली तो मौके पर जाकर देखा, युवती के शरीर पर काफी चोट के निशान थे। जब इसकी शिकायत थाना इंचोली के थाना अध्यक्ष को दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे मगर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो आज मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया गया और वहीं इंचोली पर आरोपियों से पैसे लेकर साठ काट का भी आरोप लगाया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल ने पहुंचकर परिजनों से पेट्रोल की बोतल छीन ले, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंचे सीओ सिविल लाइन राम अर्ज ने पीड़ित परिवार को समझा बुझा शांत किया और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। आग लगा रहे कुछ लोग इधर इधर उनको बता दो जल्दी। मेरा नाम अनुज कुमार है सर। अनुज, आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन करा है? हमने इसलिए करा, हमारी बहन को इन लोगों ने मार दिया। 7 साल हो गए शादी को, दहेज की मांग करते थे, वो लड़की बताती नहीं थी। 3 महीने पहले अप्रैल के महीने में मैं अपनी बहन को लेके लिवा गया अपने घर पे। मेरी बहन ने कही है मुझे परेशान करते हैं, मारते हैं, फिर भी हमने समझा के भेज दी। इन लोगों ने 9 तारीख में उसे फांसी दे के मार दिया मेरी बहन को और मुलजिम को पकड़वा दिया। और मुलजिम जो है बेर बेर 5 लाख की मांग करता था हमारी बहन से। हमने अपनी बहन को समझाया, फिर भी भेज दिया इन लोगों ने 9 तारीख में उसे मार दिया। मार के फांसी दे के फंदे डाल के और सोफे पैसे बैठा देते थे, गुड्डे को 100 पीस में बैठा देते हैं और इंचोली थाने को पैसा भर के और तुम्हारे ये जहाँ पोस्टमार्टम होती है उसे भी रुपया भर के कुछ नहीं होने दिया, नॉर्मल रिपोर्ट दिखा दे। कल हम थाने गए थे, मुलजिम कबूल कर रहा था कि हाँ हमने करा है, फिर भी इंचोली थाने ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। हम कर रहे हैं, हमें 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन की मोहलत देने पर भी कुछ नहीं हुआ। उसे फॉर्मेलिटी पूरी करके ये बिके बैठे सर थाने में, सुनवाई नहीं। तो आपने आज क्या करा आपने? सर हम वहाँ भी गए थे अभी, उन लोगों ने बोला रिपोर्ट 2 कॉपी लेने के बाद बोला यहाँ से हटो, यहाँ थिएटर मत करो, ये छोटा बच्चा है हमारा भांजा, इसे बेमा का कर दिया सर। वे पैसे वाले हैं, उसका भाई फौजी है, आया था सुबह, उसने कह दिया कि अगर किसी ने सिगड़ा वालों ने गवाही दी तो मैं गोली मार दूंगा। तो बताओ हम क्या करते? क्या करा आपने? हमने ये करा, हम अपनी बहन के लिए आत्महत्या कर देंगे, हमें न्याय नहीं मिला। जो मुलजिम है वो कबूल कर रहा कि हमने करा, पुलिस ने कुछ नहीं करा, फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, उसे न्याय नहीं मिला इंचोली थाने की। सर हम हाँ पेट्रोल डाल के हम आग लगाना चाहते हैं, हमारी बहन चली गई, हम भी चाहते हम भी चले जाए पर हमें न्याय नहीं मिला। वो थाना भी क्या पैदा भर के आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। किस मामले में आया आज आप यहाँ पे? आज हम यहाँ पर हमारी इंचोली थाने में सिकेड़ा में हमारी लड़की मार दी थी प्रीति, वो इंचोली थाने में लड़के हंकार रहा है कि मैंने सब कुछ मेरे भाई ने मेरी माँ ने मारा है, लेकिन वहाँ का थाना उनको मिथ्यावास कर रहा है, उसको मिटान चक्कर में है ये लड़के। हमें विश्वास नहीं है कि हम चाहते हैं हमारा केस वहाँ से क्राइम ब्रांच को आए और वहाँ पकड़ने का, लेकिन उनको हंकार भी रहा है, उसे छुपा रहे हैं वहाँ के था इंचोली थाने में, उसको छुपा रहे हैं केस को। आज आप किससे मिले हैं? और हम एसपी साहब से मिलने आए थे, उनकी आवाज़ पर गए थे, लेकिन उन्होंने भी जो है एक ड्रामा बताया कि हमें नीचे अगर आईडी इसका हम करेंगे, लेकिन आईडी नीचे अगर ले लीजिए मानता हूँ। परसों 10 तारीख कहाँ का आपने इससे पहले प्रार्थना पत्र रोल चलो साहब, आज इन लोगों ने तेल बेल डाला, क्या पूरा मामला है? देखिए एक महिला की शादी सिकेड़ा गांव इंचोली थाने में, वहाँ आईडी पे पहले जो है उसकी मृत्यु हो गई जी, और इनके जो ससुराली मायके पक्ष वालों हैं वो जो है इनका ये कहना है कि उस पर थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सुरेश इसी संबंध में लोग आज पुलिस ऑफिस आए थे, वहाँ उनकी मुलाकात हुई और पीआरओ साहब ने वहाँ से बात भी किया और ये बताया कि जो है इसमें एक आदमी को उन लोगों ने पकड़ रखा है और इसकी जाँच चल रही है और अन्य इसमें जो है उनके भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये लोग जो भी रहा हो संतुष्ट नहीं हुए और यहाँ आकर के चौराहे पर कमिश्नर चौराहे पर तेल डाला था। हम लोग आए अब ये संतुष्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि मुझे थाने पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप लोग इसमें सही जांच करके निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई करें, हम ऊपर हमें विश्वास है। ठीक, थैंक यू सर।